मित्रों, अगर आपने भी कभी किसी के अंतिम संस्कार में भाग लिया है तो आप जानते होंगे कि शव को शमशान घाट तक ले जाने के लिए खास बांस की लकड़ी का उपयोग करके ही एक अर्थी बनाई जाती है। ऐसा करने के पीछे भी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ वाजिब कारण बताए गए हैं। आइए जानते हैं उन्हीं कारणों के बारे में आज की इस खास वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, सनातन धर्म में जन्मे सभी मनुष्यों के जीवन से जुड़े 16 संस्कारों के बारे में तो हमने आपको पहले ही बताया था। इन्हीं 16 संस्कारों में से मनुष्य के जीवन के अंत के साथ जुड़ा अंतिम संस्कार कितना नियमबद्ध और महत्वपूर्ण है, ये बताने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इसी संस्कार में व्यक्ति को शमशान घाट तक ले जाने के लिए बांस की लकड़ी का उपयोग करके एक अर्थी बनाई जाती है और उस पर ही मृत देह को शमशान घाट तक ले जाया जाता है। लेकिन आप में से कितने ही लोग ये जानते हैं कि अर्थी को सिर्फ बांस से ही क्यों बनाया जाता है? आइए हम इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। दरअसल जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसका शरीर काफी भारी हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति के शरीर को ले जाने के लिए बांस की हल्की लकड़ियों की अर्थी ही बनाई जाती है, क्योंकि एक तो बांस की लकड़ियां लचीली होती है और सभी छोटी छोटी लकड़ियां मिलाकर व्यक्ति के वजन को संभाल भी लेती है। इसीलिए अर्थी में बांस की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में तो ये तक बताया गया है कि बांस के खोखल में नाद तरंगों के प्रभाव से वायुमंडल में सूक्ष्म अग्नि की ज्वाला का निर्माण होता है और इन तरंगों से अभिमंत्रित वायुमंडल की कक्षा में अर्थात अर्थी पर मृतदेह रखने से उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाता है। अधिकांश समय अर्थी पर रखी मृतदेह पाताल से प्रक्षेपित कष्टदायक स्पंदनों से सुरक्षित रहती है। इससे मृतदेह के पास आने वाली अनिष्ट शक्तियों पर अंकुश लगाना संभव हो जाता है। तो मित्रों, ये तो रही बात अर्थी में बांस के उपयोग की। अब आपको इससे जुड़े एक और तथ्य से अवगत कराते हैं। अर्थी के लिए बांस की लकड़ी का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन आपने कभी उसे चिता के साथ जलते हुए नहीं देखा होगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी धार्मिक कारण मौजूद है। मित्रों, हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुसार बांस जलाने पर पितृ दोष लगता है। वही जन्म के समय जो नाल माता और शिशु को जोड़े रखती है उसे भी बांस के वृक्षों के बीच ही गाड़ा जाता है, ताकि वंश सदैव बांस की तरह बढ़ता रहे। इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे धर्म शास्त्रों में बांस को जलाना पूरी तरह से वर्जित बताया गया है। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे सिर्फ धार्मिक कारणों को ही आधार बनाया गया है, बल्कि इससे जुड़े वैज्ञानिक कारण भी हमें मिलते हैं, जो कि इस प्रकार है। बांस में लेड सहित कई भारी धातुएं होती हैं, जो जलने के बाद अपने ऑक्साइड्स बनाती हैं, और ये ऑक्साइड्स मनुष्य के लिए जहरीले और खतरनाक होते हैं। इसीलिए अर्थी का प्रयोग करने के बाद उसको शमशान में एक और रख दिया जाता है, यानी कि अर्थी को चिता के साथ जलाया नहीं जाता। इसीलिए बांस का अर्थी में प्रयोग पर्यावरण संतुलन का एक कारक भी बनता है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अर्थी में बांस के उपयोग के पीछे के धार्मिक महत्व समझ आ गए होंगे, साथ ही किन कारणों की वजह से इस उपयोग में लाए बांस को जलाया नहीं जाता। यदि इससे जुड़ा कोई और भी सवाल आपके मन में उठता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही लिखकर हमें ये भी बताएं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी, और इसे शेयर करना ना भूलें अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ। पूजा सामग्री और धार्मिक वस्तुओं के लिए आप विजिट कर सकते हैं Amazon पर हमारे द डिवाइन टेल्स स्टोर पर, और 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।